संबंध में मिलेगी मदद, महिलाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराने की होगी आसानी। भाजपा महिला मोर्चा की बैठक, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासन बोली, महिलाओं को मिल रहा सर्वाधिक सम्मान, आगे बढ़ेगा विजय रथ। विश्व पर्यटन दिवस आज, उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध चार धाम ने बनाई अलग पहचान, सरकार का साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर। उत्तराखंड में अब ऑनलाइन कर सकेंगे मां पूर्णागिरी धाम के दर्शन, पूजा अर्चना से लेकर दान देने की सुविधा मिलेगी, पुजारियों को बढ़ेगी आय। उत्तराखंड में 1.5 साल बाद सभी के लिए खुलेंगी भारत नेपाल सीमा, विदेशी पर्यटकों को कोरोना जांच के बाद मिलेगा प्रवेश। बिना दर्शन लौटने को मजबूर, तीर्थयात्री संख्या बढ़वाने के लिए अब हाईकोर्ट तय करेगी सरकार, तय संख्या के आधार पर दर्शन के लिए ई पास जारी। देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। और नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और खबर देहरादून से आ रही है, देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे ज्ञानवाणी चैनल के प्रसारण का उद्घाटन। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, शिक्षा विभाग द्वारा जियो टीवी ऐप के माध्यम से करेंगे उद्घाटन। 11:30 बजे सीएम पहुंचेंगे सॉलिटियर फॉर्म मालसी मसूरी रोड देहरादून, और उत्तराखंड एडवेंचर फेस्ट का सीएम उद्घाटन करेंगे। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर आयोजित होगा कार्यक्रम। दोपहर 12:40 पर HDFC बैंक राजपुर रोड पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, और HDFC बैंक की 23 गोल्ड लोन ब्रांच का शुभारंभ भी करेंगे। वहीं 1 बजे मुख्यमंत्री का सचिवालय पहुंचने का कार्यक्रम है, सचिवालय में एयरफोर्स के अधिकारी से भेंट करेंगे। इसके बाद दोपहर 3 बजे सीएम भाजपा की वर्चुअल बैठक में प्रतिभाग भी करेंगे। 4:30 बजे सीएम ईशा फाउंडेशन के सदगुरु से मुलाकात करेंगे। वहीं शाम 7 बजे SIDBI अध्यक्ष एस रमन से भेंट भी करेंगे। तो यहां हम आपको बता रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी 11:30 बजे सॉलिटियर पहुंचेंगे, उत्तराखंड एडवेंचर फेस्ट का सीएम उद्घाटन करेंगे। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ संवाददाता अंकित काला जुड़े हुए हैं। अंकित, आज विश्व पर्यटन दिवस है, सबसे पहले मैं इस विषय में जानना चाहूंगी। अंकित, आपको मेरी आवाज पहुंच रही? जी जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है वन्ना? जी वन्ना, बिल्कुल, पूरे देश भर में विश्व पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है, और आज इसी के अवसर पर हमारे उत्तराखंड में भी कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो पर्यटन के लिहाज से काफी देश प्रदेश में काफी प्रचलित है, और अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो आज कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे सॉलिटेयर फार्म में। यहाँ पर विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें कि एडवेंचर टू फेस्ट है, इसका उद्घाटन आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वन्ना करने वाले हैं। इसके साथ साथ जगह जगह हमारे उत्तराखंड के जो विभिन्न स्थान है वहां पर भी इस तरीके के जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए जा रहे हैं। सरकार की कोशिश भी यही है वन्ना कि अधिक से अधिक जो पर्यटक है उत्तराखंड पहुंच सके, इसको लेकर के वातावरण तैयार किया जा सके। सरकारी स्तर पर जो भी कामकाज है उसको सरकार अपने ओर से कार्य को पूरा कर दिए, ताकि पर्यटक अधिक से अधिक उत्तराखंड में आए और जो हमारी आर्थिकी है वो भी मजबूत हो सके। इसके अलावा अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं वन्ना, तो उत्तराखंड में आपको पता है कि नैनीताल है हमारा, मसूरी, धनौल्टी, ये तमाम सारे जो क्षेत्र हैं जो कि विश्व विख्यात हैं पर्यटन के लिहाज से। इसके अलावा भी सरकार कोशिश करेगी जो छोटे छोटे पर्यटन स्थल हैं उसको और बेहतर बनाया जा सके, उसको और बेहतर तरीके से किया जा सके। तो इसी को लेकर के जो पूरे विश्व आज पर्यटन दिवस मना रहा है, तो इसको लेकर के यहाँ पर एक बात ये भी जानना चाहूंगी कि आज एडवेंचर फेस्ट का भी उद्घाटन होगा, तो हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहेंगे कि एडवेंचर फेस्ट होता क्या है। एडवेंचर फेस्ट में जो भी एडवेंचर से जुड़े हुए तमाम जो साहसिक खेल है वरना उसमें साहसिक खेलों में उनको जो यहाँ पर दर्शाया जाएगा, कोशिश की जाएगी कि जो जिसमें एडवेंचर के चाहे फिर वो
माउंटेन क्लाइंबिंग का हो, चाहे वो पैराशूट स्लाइडिंग का हो, कई सारे ऐसे खेल हैं जो कि इस एडवेंचर फेस्ट में आते हैं। तो आज ये सारे कार्यक्रम आज देखने को मिलेंगे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामे भी इस कार्यक्रम में सुबह 11:30 बजे शिरकत करेंगे। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी संभवतः इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से पूरे विश्व में विश्व पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है, आज उत्तराखंड में भी इसको लेकर के कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। और उसके बाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अपना संबोधन देंगे और सरकार की तरफ से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, इस पर भी कहीं ना कहीं वो विचार करते हुए बातचीत करते हुए नजर आएंगे। अंकित, आज ज्ञानवाणी चैनल का प्रसारण का उद्घाटन भी सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे, इस विषय पर जानना चाहेंगे। बिल्कुल, शिक्षा विभाग की तरफ से बनना एक ज्ञानवाणी जो चैनल हैं, दो चैनल हैं जिसमें कि बच्चों को ज्ञान से विज्ञान से जुड़ी हुई जो तमाम जानकारी है वो उपलब्ध हो पाएगी। जियो ऐप के माध्यम से इस जो ज्ञानवाणी जो चैनल्स हैं उससे अपना ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसका विधिवत उद्घाटन करने जा रहे हैं सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री आवास से, और इस चैनलों को उनके माध्यम से शिक्षा विभाग की कोशिश है कि जो कोरोना काल में आप देख रहे हैं कि अधिकांश जो बच्चे हैं वो घर पर इस वक्त रहने को मजबूर हैं, तो घर पर ही रहकर के किस तरीके से उनकी शिक्षा दीक्षा को और भी ज्यादा बेहतर बनाया जा सके, इसको लेकर के जियो के साथ उनका एक बिल्कुल जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो ये खबर बेहद ही महत्वपूर्ण है, जिससे जहां पर एजुकेशन नहीं पहुंच पा रही थी कि कोरोना काल में हम सभी ने देखा था कि किस तरह से शिक्षा पर भारी मार पड़ी थी, तो इसको लेकर के सीएम पुष्कर सिंह धामी का एक सराहनीय पहल है, जिससे कि वो बच्चे भी अब शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे अपने घर पर ही, जो अभी तक स्कूल नहीं जा पा रहे थे और स्कूल बंद होने के कारण वो शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहे थे। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना, दोनों के अलग है रंग पर दोनों का एक अनोखा स्वाद, कमला पसंद अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और खबर देहरादून से आ रही है। इसी बीच किसान संगठनों ने आज बुलाया भारत बंद। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, उत्तराखंड में भी भारत बंद के असर देखने को मिल रहे हैं। 40 किसान संगठन भारत बंद के समर्थन में आए हैं। नाराज किसान देहरादून में रैली निकालेंगे और सुबह 11 बजे गांधी पार्क से सैकड़ों किसान रैली निकालेंगे। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं। चालीस किसान संगठन समर्थन में आए हैं और नाराज किसान देहरादून में रैली निकालेंगे। सुबह 11 बजे गांधी पार्क से सैकड़ों किसान रैली निकालेंगे। किसान संगठनों ने आज भारत बंद बुलाया है। उत्तराखंड में भी भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है। नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने ये भारत बंद बुलाया है और कई किसान संगठन रैली में शामिल होने जा रहे हैं। और इसी खबर को लेकर एक बार फिर से हमारे साथ संवाददाता अंकित काला जुड़े हुए हैं। अंकित, आज जो भारत बंद किसानों ने बुलाया है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए वन्ना, नए कृषि कानूनों को आज 1 साल पूरा होने जा रहा है और इसके विरोध में आज तमाम किसान संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है और इसका असर उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। तो उत्तराखंड की हम बात करें तो अधिकांश जो हमारे व्यापारी संगठन है उन्होंने भी किसानों के साथ इस भारत बंद में अपना समर्थन दिया है। व्यापारियों ने उनको समर्थन देते हुए ये कहा है कि जो जिस तरीके से ऑनलाइन का चलन काफी हद तक बढ़ गया है, तो इसके विरोध में भी व्यापारी आज किसान भारत बंद के समर्थन में आ रखे हैं। तो कुल मिलाकर के वरना अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो किसानों का काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है जो नए कृषि कानून है, और आज इसके विरोध में गांधी पार्क से सुबह रैली का भी आयोजन किया गया है जिसमें तमाम जो किसान है वो इसमें प्रतिभाग करेंगे और कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ
जमकर नारेबाजी करते हुए भी नजर आएंगे। अंकित, किसानों का जो आंदोलन चल रहा है ये तकरीबन 10 महीने से लगातार चल रहा है और अभी भी इस पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं, भारत बंद कर रहे हैं, इसका क्या असर हमारे देश पर पड़ने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है? देखिए वरना अभी बुरा असर पड़ भी रहा है और इससे ज्यादा भयावह स्थिति और भी हो सकती है, जिस तरीके से किसान कह रहे हैं। अब किसानों की जो लड़ाई है उसको आप जानते हैं कि करीब करीब एक साल के करीब सरकार की ओर से किसानों की जो मांगे हैं उसको नहीं माना गया है और ना ही सरकार ऐसा करती हुई नजर आ रही है। तो इन सब चीजों को देखते हुए किसानों में काफी आक्रोश है। अभी कुछ दिन रुड़की में आपने देखा किस तरीके से किसानों की एक पंचायत हुई थी, शिकायत यहाँ पर पहुंचे थे, तो काफी आक्रोश किसानों में देखने को मिला। और अब ये जो लड़ाई है वो सीधा सरकार और किसान संगठनों की है, किसानों की है। तो किसानों ने भी तैयारी कर रखी है वरना, और वो कह रहे हैं कि 2022 का जो इलेक्शन होगा चाहे फिर हमारा 2024 का है, तो ये तमाम जो चुनाव होने वाले हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने की तैयारी अंकित, ये अंकित मैं भी यही जानना चाहूंगी कि जिस तरह से लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं और लगातार उनका आक्रोश देखने को मिल रहा है, पूरे देश से किसानों के प्रति इतना आक्रोश जाहिर हो रहा है, हम सब देख रहे हैं, तो क्या आने वाले जो विधानसभा के चुनाव है इस पर असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, और उत्तराखंड में तो पिछले साल ही चुनाव है बता, और इस विधानसभा इलेक्शन में अब कोई बहुत ज्यादा समय नहीं रहेगा, 4 से 5 महीने के भीतर में हम इलेक्शन मोड में होंगे। तो किसान जिस तरीके से यहाँ पर किसानों की संख्या है, तादाद है, तो कई विधानसभाओं में इसका खामियाजा देखने को मिल सकता है। और किसानों का ही नहीं, आम जनमानस भी बड़ी संख्या में किसानों के समर्थन में है, इसके अलावा व्यापारी संगठन इनके समर्थन में है, तमाम जो अन्य विपक्षी दल हैं वो भी किसानों के समर्थन में है। तो इस तरीके से बंदा आप बिल्कुल कह सकते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार को कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। और जिस तरीके से अभी राकेश टिकैत ने भी ये बात कही थी कि अब तो सरकार के जाने के बाद ही नए कृषि कानून को पर जो जो उनका आंदोलन है वो खत्म होगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किसानों के तेवर किस तरीके से हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं सरकार इसका खामियाजा। एक विषय में यहाँ पर एक सवाल है मेरा, मैं ये जानना चाहूंगी कि जो उत्तराखंड सरकार है हमेशा से कहती रही है कि वो किसानों के साथ में, लेकिन जब वो किसानों के साथ में है तो फिर ऐसा प्रदर्शन क्यों है? देखिए प्रदर्शन इसलिए हो रहा है बन्ना क्योंकि सरकार अभी तक जो 3 कृषि कानून है उसको वापस नहीं ले रही है, और जहां तक राज्य सरकार की बात है तो राज्य सरकार के हाथ में ये नहीं है, ये जो भी बिल वापस लेना है उसको सिर्फ केंद्र सरकार ही वापस ले सकती है और केंद्र सरकार ही उसको पारित करा सकती है। हालांकि राज्य अपनी ओर से इसको लागू करते हैं या नहीं ये तो उसका अपना विशेष अधिकार है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये अंकित मैं ये बिल्कुल कहना चाहूंगी कि ये विशेषाधिकार राज्य सरकार के पास नहीं, केंद्र सरकार के पास है। तो फिलहाल जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो यहाँ पर हम आपको खबर देहरादून से बता रहे हैं जहाँ पर लगातार किसान आंदोलन करने पर लगे हुए हैं और आज किसानों का भारत बंद बुलाया गया है। नए कृषि कानून के विरोध में कई संगठन, कई किसान संगठन भारत बंद आंदोलन में शरीक हो रहे हैं और अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर कर रहे हैं। और खबर लक्सर से आ रही है, इसी बीच एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन आज लक्सर से आपको खबर बता रहे हैं, देहरादून लक्सर सहारनपुर एक्सप्रेस ट्रेन को मंजूरी मिली है, रेलवे मुख्यालय ने ट्रेन को मंजूरी दी है, डीएलएस को पैसेंजर के बजाय अब एक्सप्रेस बनाकर संचालित किया जाएगा। लक्सर से खबर बता रहे हैं आपको, डीएलएस को पैसेंजर के बजाय अब एक्सप्रेस बनाकर उसे संचालित किया जाएगा। एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन आज से शुरू होगा, लक्सर से आपको खबर बता रहे हैं। और लगातार हम उत्तराखंड की अपडेट आपको दे रहे हैं, देहरादून लक्सर सहारनपुर से ये ट्रेन संचालित की जाएगी, रेलवे मुख्यालय ने ट्रेन को मंजूरी दे दी है। बता दें आपको कि डीएलएस पैसेंजर को पैसेंजर के बजाय अब एक्सप्रेस के रूप में संचालित किया जाएगा। एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन आज से किया जा रहा है, देहरादून लक्सर सहारनपुर एक्सप्रेस ट्रेन को मंजूरी मिली है।
राजधानी देहरादून में बीजेपी महिला मोर्चा को दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्य समिति की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग हिस्सों से बीजेपी महिला मोर्चा की पदाधिकारी पहुंची। पहली बार उत्तराखंड में बीजेपी महिला मोर्चा से जुड़ी पदाधिकारियों की ये बैठक हुई। बैठक में देश के विभिन्न राज्यों से बीजेपी महिला मोर्चा की पदाधिकारी शामिल हुई। बीजेपी की यह बैठक चुनाव से ठीक पहले काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पार्टी में महिलाओं की भूमिका को लेकर यह अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वानती श्रीनिवासन, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, रेल राज्य मंत्री दशवना और बीजेपी महिला मोर्चा उत्तराखंड की प्रदेश अध्यक्ष रितु खंडूरी सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। सुबह के लिए उड़ चला गारों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन पढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल 0512-239-0038 और 0512-239-0032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना, दोनों के अलग है रंग पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर लक्सर से आ रही है। लक्सर में त्रिवार्षिक समझौते के विरोध में टायर फैक्ट्री का 6 ट्रेड यूनियन धरना जारी रहा है और इस दौरान धरना प्रदर्शनकारी अपना धरना दे रहे हैं और विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि समझौते में 5,600 के बजाय 11,000 रुपये की बढ़ोतरी कर श्रमिकों को 9 माह का एरियर दिया जाए। लक्सर के टायर फैक्ट्री में प्रबंधन और श्रमिकों के बीच वेतन बढ़ोतरी को लेकर हर 3 साल बाद समझौता होता है। इस बार प्रबंधन ने 20 यूनियन के साथ 5,600 रुपये की बढ़ोतरी पर समझौता किया था, जबकि 6 यूनियन समझौते पर सहमत नहीं है। इन 6 यूनियन ने उप श्रमायुक्त कोर्ट में वाद दायर किया था, पर वहां से फैक्ट्री प्रबंधन के पक्ष में फैसला हुआ। इस फैसले के खिलाफ 6 यूनियन के श्रमिक शुक्रवार से कंपनी के मेन गेट के बाहर धरना दे रहे हैं। हम सभी श्रमिकों की डिमांड थी। वैसे तो हमारा जो डिमांड चार्ट था वो 15,000 रुपये का था। फिर प्रबंधन द्वारा मेरे श्रमिक साथियों से कार्य लिया गया है। कार्य के अनुरूप हम लोग फिर भी उसी 15,000 पे रहे, लेकिन फिर भी प्रबंधन वहाँ भी नहीं आया। तब हमारे श्रमिक साथियों ने अपने हाथ से एक पेपर साइन करके दिया था कि हम लोगों को इसमें 11,000 की बढ़ोतरी की जाए, जिस हिसाब से इन्होंने प्रोडक्शन हमसे बढ़वाया। और हमारा जो त्रिवर्षीय समझौता है वो 1 जनवरी से लागू होना चाहिए। पौड़ी मुख्यालय में बद्रीनाथ धर्मशाला में यूकेडी जिला कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नवनिर्वाचित चंद्रमोहन
गुसाई को यूकेडी केंद्रीय पदाधिकारियों और जिला पदाधिकारियों सहित कार्यकर्ताओं द्वारा बधाई और शुभकामनाएं दी गई। वहीं इस अवसर पर जिला स्वयं प्रभारी समीर मुंडे पीने केंद्रीय कार्यकारिणी द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को कार्यकर्ताओं के मध्य रखा। इसके साथ ही केंद्रीय महामंत्री महेंद्र सिंह रावत ने संगठन को मजबूत बनाने और बूथ लेवल पर गठन करने की बात कही। इस दौरान यूकेडी पदाधिकारियों ने भाजपा कांग्रेस की जनविरोधी नीतियों पर जमकर हल्ला बोला। इसके साथ ही प्रदेश में भू कानून मूल निवास परिसीमन को प्रदेश के विकास के लिए जरूरी बताया। हमारी सारी कमेटियाँ गठित हो रही है, जिले गठित हो रहे हैं, जिले गठन हो गए, इसी क्रम में पूरी जिला भी गठन हो रहा है। हमारे चुनाव की पूरी रणनीति इस टाइम पे हम विगत चुनाव की बात है। सबसे पहले तो जनता जनार्दन होती है और मैं सबसे पहले जनता के साथ मीटिंग्स करूँगी। एक जनता अदालत का आयोजन किया जाएगा जिसमें किस तरीके से वो लोग हमारी पौड़ी विधानसभा के अंदर देखना चाहते हैं। खबर लक्सर से है जहां जेके टायर फैक्ट्री के श्रमिकों और प्रबंधन के बीच वेतनमान त्रिवर्षीय समझौता को लेकर विवाद अब और बढ़ गया है। वहीं श्रमिकों ने डीएलसी के एग्रीमेंट निर्णय को गलत और एक तरफा बताते हुए फैक्ट्री गेट पर प्रदर्शन किया और अनिश्चितकालीन धरना भी शुरू कर दिया। इसके साथ ही आंदोलन की अगुवाई कर रहे बजरंग मजदूर संगठन के अध्यक्ष अशोक कुमार ने कहा कि फैक्ट्री प्रबंधन मनमानी कर रहा है, प्रबंधन द्वारा मजदूरों के हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है। इसके साथ ही यह भी कहा कि कुछ यूनियन ने प्रबंधन से मिलीभगत कर जो एग्रीमेंट कराया था उसे बड़ी तादाद में श्रमिकों ने नकार दिया था और उसका लगातार विरोध किया जा रहा है। हमें याद आ गया आप श्रमिकों का भौतिक सत्यापन कराएं। भौतिक सत्यापन कराने के बाद अगर आप लोग बहुमत साबित करते हैं तो मैं आप लोगों की सुनूंगी और आप लोगों के हिसाब से ये एग्रीमेंट करूंगी। हम लोगों ने भौतिक सत्यापन कराया, टोटल श्रमिक वहां पर पहुंचे और 2400 स्टाम्प वहां पर जमा हुए। जो कार्यालय में श्रम परिवर्तन अधिकारी है उसके समक्ष जाकर के लड़कों ने जाकर के मना किया कि हम इस समझौते को नहीं मानते हैं। उसके बाद 2 तारीख को वार्ता समाप्त कर दी जाती है और बोल दिया जाता है कि हम इसको कोर्ट भेज रहे हैं। लेकिन डीएलसी मधुनेगी ने फैक्ट्री प्रबंधन से पैसा खा करके 14 तारीख को इसको रजिस्टर कर दिया। बुलेटिन फिलहाल इतना ही, बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।